लोगों के लिए वीडियो लेकर आ गई हूँ एंड ये वीडियो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है एंड प्लस मैंने आप लोगों को वेडिंग शॉपिंग रिलेटेड वीडियोस तो दिखाई हैं, लाइक लहंगे दिखाए हैं, रेंटेड लहंगा भी दिखाया है, बट आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ज्वेलरी कलेक्शन एंड यहाँ पे जो ज्वेलरीज है ना बहुत अमेजिंग है। अभी आपको बस मैं दिखाने ही वाली हूँ बट जो यहाँ पे जो यूनिक चीज है ना यहाँ पे आपको मिलेगी फैक्ट्री रेट पे एंड आपको बीच में कोई भी कमीशन या कुछ भी नहीं मिलने वाला, डायरेक्ट आपको फैक्ट्री रेट पे मिलेगा। तो सर आप यहाँ की ये बताइए कि ये फैक्ट्री रेट पे कैसे है, इसका नाम फैक्ट्री रेट क्यों है? सबसे पहले तो मैम जहाँ पर आप आए हैं आपके व्यूअर्स जो है उन सबके नमस्कार। आप आए हैं सत्या ज्वेल्स द फैक्ट्री रेट शॉप जो कि फैक्ट्री आउटलेट है, पूंछा माजनी में सिचुएटेड है। पिछले 10-12 सालों से हम पूंछा माजनी में काम कर रहे हैं। जो कि आपको क्वेश्चन है कि फैक्ट्री रेट का क्या मतलब है, वो ये मतलब है कि पहले हम एक टाइम पे होलसेल किया करते थे, अब यहाँ पर हमारा खुद के हमने फैक्ट्री का एक सेटअप बना लिया है। तो जो भी हम अब आपके साथ डीलिंग करेंगे, आपके व्यूअर्स के कस्टमर्स के साथ डीलिंग करेंगे, वो सारे का सारा फैक्ट्री आउटलेट के बेस पे डील होगी। इसमें बीच में कोई भी मिडलमैन नहीं है किसी भी तरीके से। फ्लैट 8% पे सारी ज्वेलरी आपको मिलने वाली है यहाँ पर। फ्लैट 8% आप वहीं पर ही मार्केट में जाते हैं, आप देखते हैं तो वहाँ पर कम से कम 15-20 ऐसे चार्जेस लिए जाते हैं आपसे। आपने भी कुछ एक्सपीरियंस करा होगा ऐसे ही को। इतने हाईली रोटेटिंग डिजाइन रहती हैं, ट्रेंडिंग लेटेस्ट डिजाइन रहते हैं कि हमारी, और अभी आप देखेंगे आगे चलते चलते तो ये है कि हम प्रॉपर आपको विजुअलाइजेशन सारी की सारे माल की नहीं करा पाएंगे। बनाने का यही बेनिफिट होने वाला है आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपके बजट में 10-15% का बेनिफिट मिले आपको ज्वेलरी के टाइम पर, तो आपको एक बार बस यही बात है, लेना जरूरी नहीं है, आना जरूरी है, देखना जरूरी है, कंपैरिजन करना जरूरी है। यस गाइस, सच में अगर आप यहाँ पे आओगे तो आई एम श्योर कि आप यहाँ से बिना परचेज किए तो नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ की कलेक्शन ही इतनी अच्छी है। तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके घर पे वेडिंग है या आपकी खुद की वेडिंग है तो एक बार प्लीज आओ यहाँ पे। सो यस गाइज, अब मैं आपको कलेक्शन दिखा देती हूँ। मैं डायमंड से स्टार्ट कर रही हूँ कलेक्शन क्योंकि डायमंड का काफी ज्यादा ट्रेंड है एंड अगर आप लोगों की एंगेजमेंट होने वाली है या वेडिंग भी होने वाली है तो आजकल सभी लोग डायमंड ही प्रेफर करते हैं। तो आपको मैं डायमंड की कलेक्शन दिखाती हूँ। मैम स्टार्टिंग रेंज क्या है सर डायमंड की? मैम स्टार्टिंग रेंज अगर हम बात करते हैं जैसे कि ये मोस्पिंस है, ओके, तो ये हमारे पास 1500 रुपए से स्टार्ट हो जाती है पर पीस। मेरे गारंटेड है आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में नोस्पिन खरीदी होगी। 1500 सर, रियली रियल डायमंड, नेचुरल डायमंड की 1500 से बिगनिंग है सर। ये डायमंड ही है ना। आप बेफिक्र रहिए, जितनी भी ज्वेलरी आपको दी जाएगी सारी की सारी ऑथेंटिकेट होगी, लैब से सर्टिफाइड, लैब से उसका कार्ड होगा। मैं अभी आपको कार्ड भी शो करूंगा। सेकेंड थिंग, सारी की सारी हॉलमार्क ज्वेलरी होगी, इनके ऊपर आपको जूम करके पढ़वाया जाएगा। So guys, सच में इतने कम प्राइस में नोज पिन तो मैंने खुद ने भी कभी परचेज नहीं किया। मैंने अभी रिसेंटली ही किसी बड़े ब्रांड से परचेज किया, मैं नाम ले लूंगी, मुझे ऑलमोस्ट 4-5,000 रुपीज का पड़ा और वो भी काफी छोटे सेंट का एंड यहाँ पे काफी बड़ा सेंट मिल रहा है आपको। साथ साथ अब नेक्स्ट चीज पर आते हैं मैम, जैसे कि नेकलेस सेट्स हो गए जो कि हमारे पास 1 लाख रुपीज की रेंज से स्टार्ट हो जाते हैं। मेरी गारंटी है कि आप मार्केट में लेने जाएंगे तो कम से कम ये 125 का तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। पर्टिकुलर इस बात की बात करते हैं, स्ट्रिंग डिजाइन है, बहुत ही इन रहता है और लेडीज की वीकनेस है ये। थोड़ा सा आप इसको देखिए मैम, आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज इसे कैरी करके दिखाइए। प्यारा लग रहा है सर ये, लाइक एंगेजमेंट वगैरह में आप कोई भी सटल ड्रेस पहन ले, लाइक वन पीस पहन रहे हो या लहंगा पहन रहे हो, हर किसी के साथ ये इजीली कैरी हो जाएगा एंड काफी स्टाइलिश लग रहा है ये। मैं इसमें बीच में एक बात और ऐड ऑन करूंगा, अभी मैम ने बहुत कैजुअल वेयरिंग कर रखी है ये, उसमें भी अगर इसको कैरी कर लेंगे तो भी ये अच्छा लगने वाला है। पसंद मैम इसे कैरी आपको कि कैसा लुक दे रहा है। सारा माल अवेलेबल रहेगा। ब्राइडल के अकॉर्डिंग चोकर्स, नेकलेस अलग अलग कलर स्टोन में, प्लेन ज्वेलरी में, डुअल टोन में, जिसमें येलो गोल्ड हो गया, व्हाइट गोल्ड हो गया, रोज गोल्ड हो गया, कुछ भी आपको जो यहाँ पर क्लिक करें मैम प्लीज एक बार देखिए, हम उसके बारे में बताएंगे। सर ये क्या लगे, ये रूबी है ओरिजिनल? नहीं मैम, इनको बोलते हैं एमरल्ड स्टोन, ये सेमी प्रेशियस स्टोन है, ये स्टोन्स ओरिजिनल नहीं होते। मैं बीच में एक चीज और ऐड करूंगा, हमारी दुकान पर स्टोन जितना भी है किसी भी ज्वेलरी में, चाहे वो गोल्ड ज्वेलरी हो चाहे वो डायमंड ज्वेलरी हो, सारा का सारा स्टोन वेट लेस होता है, कोई भी सोने के रेट में नहीं तुलता है एकदम। एंगेजमेंट में अगर आप गाउन्स
वगैरह के साथ कैरी करेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा। इसमें अगर आपको सपोज कोई भी कलर टोन, अभी जो ये है ये रोज गोल्ड के अंदर बनाया गया है, जो इसके ऊपर के ब्रिसल्स है डायमंड के वो व्हाइट रखे गए हैं ताकि डायमंड और ज्यादा लस्टर देंगे। कि इसमें रेड कलर का स्टोन चाहिए आपको, ब्लू कलर का चाहिए, वॉयलेट कलर का, कुछ भी एबीसी आपको कलर चाहिए का स्टोन चाहिए, वो सब कस्टमाइजेबल है, इजीली पॉसिबल है। मैम ये जो आप पर्टिकुलर पीस देख रहे हैं ये अप्रोक्स वेरी करेगा 5 लाख के अराउंड। सर मुझे लग रहा है 8 to 9 लाख के अप्रोक्स ही होगा ऑलमोस्ट। मैं तो ये सोच के बैठी थी माइंड में कि इतने का ही होगा। देखिए मैं ज्यादा तो नहीं, लेकिन इतना कमिटमेंट जरूर करता हूँ कि 1 लाख रुपए पे 25,000 रुपए आपको बचा कर दूंगा। सर 1 लाख रुपए में मतलब 1 लाख से स्टार्टिंग है ये नेकलेस से जो आप देख रहे हैं, जो आपने वेयर कर रखा है, और ऐसे ही कुछ और हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, तो सारे के सारे 1 लाख में बहुत अच्छी एक रेंज हमारे पास अवेलेबल है, और वो सेट सारे के सारे ऐसे कि आप उसे इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। सो गाइस 1 लाख में तो आप लहंगा ही परचेज करते हो, तो लहंगे के साथ साथ आप यहाँ पे डायमंड अपनी पूरी ज्वेलरी भी परचेज कर सकते हो। मतलब लहंगे के अमाउंट में आपको ज्वेलरी मिल रहा है, और क्या ही चाहिए वो भी इतने कम। ये देखेंगे ये कुछ हमने इसमें नया करने की कोशिश करी है, रूबी स्टोन लगाया गया है, रूबी स्टोन के ऊपर डिजाइनिंग है, देन रोज बनाया है हमने, रोज को उसके कुछ अलग टोनिंग कुछ अलग देने के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसको भी एक बार कैरी करिए मैम। sure, इतना प्यारा लग रहा है, ये रोज गोल्ड है ना? राइट जी, ये रोज गोल्ड है मैम, ये है, और सारा का सारा सर्टिफाइड डायमंड इसके अंदर लगा हुआ है। और फिर भी कुछ अगर कोई, मेरे को लगता नहीं कि कोई कस्टमाइजेशन की नीड है, फिर भी कुछ होगी तो वो सब पॉसिबल है इसमें। यूनिक है, एंड जो भी डिजाइन ट्रेंड में चलता है ना, लाइक उसी से रिलेटेड आप रोज देख सकते हो यहाँ पे कितना प्यारा है। जिसने भी इसको बनाया है ना, अमेजिंग, इतना प्यारा डिजाइन बनाया है, लाइक बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ है, लाइक ऐसा चुभ नहीं रहा है, हैवी फील नहीं हो रहा है इसे वियर करके। तो सर इसका अमाउंट क्या होगा ऑलमोस्ट? मैं अमाउंट बताने से पहले बोलूंगा आप गेस करिए कि क्या होना चाहिए इसका। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट 11 to 12 लाख तो होगा ही होगा, फिर भी मैं कम ही सोच रही हूँ, उससे ज्यादा भी हो सकता है। मैं ऐसा करता हूँ, आप 11-12 बोल रहे हैं, मैंने 10 में दिया इसको भी सोल्ड आउट हो गया ये। 10 में है really? ये मैम ये 8 लाख में है। सच में सर 8 लाख रुपीज में? सो गाइस इतना हैवी नेक पीस आपको 8 लाख रुपीज में मिल रहा है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि सच में। यहाँ पे आने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डायमंड की रेट तो काफी ज्यादा कम है जितना हम सोचते हैं। लाइक हम ज्यादातर ब्रांडेड शॉप से ही लेते ना, इसलिए हमारा माइंडसेट भी वैसा ही बन गया, बट आप यहाँ पे विजिट करोगे ना तो आपका माइंडसेट पक्का चेंज हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट ना आप बाकी सेट्स भी देख सकते हो यहाँ पे, जो आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस रेंज में मिल जाएंगे। लाइक ये वाला नेट है जो कि, तो ये रेगुलर वेयर हो गया बजट में लाने के लिए, और इसमें एक ब्राइडल कलेक्शन होगी जो कि हमारी मैम ने भी एक वेयर कर रखा है, इसको भी फोकस कर सकते हैं। ये भी बहुत प्यारा लग रहा है सच में, ये लाइक ना चोकर टाइप इफेक्ट दे रहा है, एंड चोकर काफी ज्यादा ट्रेंड में है सर। तो मैम इसमें क्या रहता है हमारा, कि हमारा फोकस सारा का सारा ये होता है कोई भी चीज बनाई जाए तो वो इतने लाइट वेट में और इतने डायमंड को इस तरीके से लगाया जाए कि वो ब्यूटीफुल पीस तो लगे लगे साथ साथ आपके बजट में भी आ सके। ओके सर, अब ना थोड़ा सा एंगेजमेंट रिंग दिखा दीजिए आप, क्योंकि एंगेजमेंट रिंग के लिए काफी ज्यादा क्रेज होता है गर्ल्स को, कि उनको सॉलिटेयर में चाहिए, काफी यूनिक पीस चाहिए, क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट ना ऑलमोस्ट डिजाइन सब कुछ पैटर्न सेम होता है। तो हम आपके पास देख लेते हैं क्या कलेक्शन है। मेरा काफी टाइम से ना मेरा माइंड यहीं पे जा रहा है कि मुझे काफी अच्छा कलेक्शन दिख रहा था यहाँ पे। इसमें भी ना हम थोड़ा सा एक बजट में लेकर आए हैं चीज को, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं ये रिंग, आप थोड़ा सा मेरे को बताइए कैसी लग रही है ये रिंग आपको सॉलिटेयर? सर मैं क्या ही बताऊँ, मुझे तो यहाँ पे सब कुछ ही अच्छा लग रहा है सर, बहुत प्यारी रिंग है ये, मैं एक बार वेयर कर। सॉलिटेयर आपको अच्छा लग रहा है? यस सर, ये ऑलमोस्ट सॉलिटेयर ही सर, इसका 2 या 3 लाख का होगा, क्योंकि मैंने अपनी मॉम के लिए नोज पिन लिया था, ऑलमोस्ट इतना ही बड़ा सेंट था तो वो मुझे इतना ही कॉस्ट हुआ था। देखिए मैं इसमें थोड़े थोड़े करेक्शंस करूंगा। अब आप बीच में ध्यान से देखिए कि सॉलिटेयर है इसके, सर मुझे तो सॉलिटेयर ही लग रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए क्या है, अब आप थोड़ा सा प्लीज इसको फोकस करिएगा, ये सॉलिटेयर नहीं है, ये वही छोटे छोटे डायमंड्स ऊपर स्टड करे गए हैं जो साइड में लगे हुए हैं। इसको 2-3 चीजें बोली जाती है, इल्यूजन सेटिंग, प्रेशर सेटिंग, बेसिकली सॉलिटेयर हर किसी के बजट में नहीं आता। सॉलिटेयर की रेंज, एक अच्छे सॉलिटेयर को अगर आप आज मार्केट में लेने के लिए जाएंगे तो कम से कम 1,25,000 पर कैरेट आप उस पर आपको खर्च करना पड़ेगा, इतना एक्सपेंस आपका आएगा ही आएगा। हमने क्या करा है, इल्यूजन सेटिंग है,
इसके अंदर हमने छोटा छोटा हीरा मर्ज करके लगा दिया है ताकि वो सॉलिटेयर की फील आ सके। और जिस चीज पे आप 1,25,000 रुपए खर्च करने वाले हैं, अब वो काम हमने सिर्फ आपका 10-20,000 रुपए में लाके छोड़ दिया है। ये टोटल रिंग की जो कॉस्ट है वो अप्रोक्स 70,000 के अराउंड में इसकी, ये 70,000 रुपीस का है, ये 70,000 सर, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा रियली 70,000 में। सर मैंने देखे, आपने जिस जैसे एक्सप्लेन करा ना, छोटे छोटे डॉट्स लगाए हैं डायमंड के, बट वो ना क्लियरली विजिबल होते हैं बाकी स्टोर्स में, बट यहाँ तो विजिबल नहीं हो रही है, बिल्कुल सॉलिटेयर ही लग रहा है। तो इसीलिए आपको सॉलिटेयर का इल्यूजन आ रहा है इसके अंदर, हमने सॉलिटेयर वेयर कर रखा है। सो गाइस, जो भी देख रहे हैं ना, अगर बॉयज देख रहे हैं मेरी ये वीडियो, तो आप अभी ले लो अपनी गर्लफ्रेंड्स, या एंगेजमेंट होने वाली है आपको, क्योंकि 70,000 में इतना हैवी रिंग मिल रहा है आपको, बहुत हैवी लग रहा है। लाइक आप देखो कितना ज्यादा हैवी स्टाइल कर रहा है ये इतने का है, तो बाकी रिंग्स तो जो और भी कम है वो तो और भी आपको कम रेट पे मिल जाएंगे। अब इसी में मैं एक और पीस दूंगा जो कि अब ये प्रॉपर एक सॉलिटेयर का अल्टरनेट है, लेकिन ये प्रॉपर सॉलिटेयर पीस इसमें भी नहीं है। इसमें जो पीस लगा हुआ है, जैसे एक सॉलिटेयर की हम बात करते हैं तो उसमें जो लगा होता है मैम, वो 1 कैरेट का पीस लगा होता है, तो इसमें जो भी पीस स्टड है वो 24 सेंट्स का पीस स्टड है जस्ट। तो आप इसको वेयर करते हैं तो ये आपको प्रॉपर वही है कि सॉलिटेयर की फील दे रहा है, लेकिन फिर वही बात कि 1,25,000 रुपए नहीं खर्च करने, वो काम 20,000 रुपए में हो गया है। और इसका डिजाइन भी कितना अच्छा लग रहा है। आज की डेट में गर्ल्स की वीकनेस है, उनको वही चाहिए, और एंगेजमेंट में तो वैसे ही मेरे को ऐसा लगता है, जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, कि गर्ल्स का ये ड्रीम रहता है कि हाईली माउंटेड रिंग मिले, जितनी ज्यादा माउंटेड। मेरा भी यही ड्रीम है कि मुझे इस टाइप की रिंग्स मिले, बहुत प्यारा कलेक्शन है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि ये नहीं है, जो भी कस्टमर्स देख रहे हैं उनको ये लग रहा होगा कि इतने सस्ते में कैसे मिल रहा है, डायमंड की क्वालिटी तो कम नहीं है, उस टाइप का तो कुछ नहीं है सर। ऐसा कुछ भी नहीं होता, देखिए कोई भी ऐसा नहीं करता, नेचुरल डायमंड स्टड है सारे के सारे, सर्टिफाइड डायमंड है सारे के सारे इसमें स्टड। अभी आपको मैं सर्टिफिकेट भी दिखा दूंगी इसका प्रॉपर, आप जब भी यहाँ से परचेज करेंगे आपको पूरी सर्टिफिकेशन के साथ ही आपको यहाँ से दिया जाएगा, प्लस सर्टिफिकेशन प्लस गोल्ड हॉलमार्क होगा आपको, उसकी स्टैम्प चेक कराई जाएंगी। कभी भी हमने, जब से फ्रॉम फर्स्ट डे हमारे यहाँ पे शॉप ओपन हुई है, हमने कोई भी ज्वेलरी नॉन हॉलमार्क या विदाउट सर्टिफिकेशन नहीं बेची है। रिंग्स भी दिख रहे हैं बहुत प्यारे प्यारे, तो ये भी बहुत, ये फ्लावर वाला प्रिंट इतना अच्छा लग रहा है, लाइक ये भी जिन्होंने भी डिजाइन किया है बहुत प्यारा रिंग लग रहा है ये ऑलमोस्ट। सर इसमें भी सॉलिटेयर है या वही जो आपने बताया? मैम वही, इसमें प्रेशर सेटिंग ही है, कोई भी इसमें सॉलिटेयर का काम नहीं है। छोटे छोटे हीरे मर्ज कर करके लगाए गए हैं सब जगहों पर, साथ में आप देख रहे हैं मैम, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, जो स्टैंडर्ड चार्जेस रहते हैं वही मिले लगेंगे सारे के सारे डायमंड ज्वेलरी के ऊपर। अभी तक मैं आपको जितना भी सेगमेंट दिखा रहा हूँ उसमें कुछ, प्लीज इसको कैरी करके देखिए, ये रूबी के साथ इसको बनाया गया है, कॉकटेल रिंग है, काफी लाइट रेंज में है, और उसके बाद फैलावट बहुत ज्यादा दी गई है इसको। ये तो ऑलमोस्ट सर आपके सेट के साथ भी, इसका रूबी सेट में लगी है, रूबी आप देख सकते हो इसके सेट के साथ। सो यस गाइस, मैंने आपको एंगेजमेंट की हेवी रिंग्स तो दिखा दी, अब मैं आपको लाइट फिटेड रिंग्स दिखा देती हूँ अंडर 10,000 रुपीज। यस 10,000 में आपको डायमंड रिंग्स मिल जाएंगे, तो आपको मैं वो भी दिखा देती हूँ एक बार। तो ये कलेक्शन है, ये भी एकदम लाइट नहीं है, ये भी हैवी है, आपको 10,000 रुपीस के अंडर में मिल जाएंगी, ये स्टार्टिंग प्राइस है ऑलमोस्ट। ये स्टार्टिंग प्राइस है बेसिकली। ये रिंग्स का क्या फीचर रहता है कि जैसे कि आपके घर में आपके सिस्टर या आपके डॉटर कोई भी बड़ी हो रही है, 19, 18, 20 एज की है, गर्ल्स का हमेशा चार्म रहता है ज्वेलरी को कैरी करना, वेयर करना। मैं आपको एक दो वेयर करके दिखा देती हूँ। ये बेसिकली वो चीजें हैं, ये छोटे छोटे गिफ्ट्स ऐसे हैं कि जब बहुत ही मेमोरेबल रहते हैं, आप किसी को गिफ्टिंग पर्पस में देना चाहते हैं और आपके बजट में आते हैं, ये साइड बाय साइड सेविंग्स होती रहती हैं, किसी के पास छोटी मोटी सेविंग हुई, हमारे पास फीमेल्स आती, फीमेल कस्टमर्स जो आते हैं वो ऐसे ही इसको पिक करके ले जाते हैं कि चलो इसी बहाने एक सेविंग बन गई, एक आर्टिकल बन गया, गोल्ड बन गया। अब सारे ब्यूटीफुल पीसेज है, बहुत ही हाईली रोटेशन में रहते हैं, बहुत ही हॉट केक्स होते हैं। एक ये मुझे यूनिक सा दिख रहा है, ये मॉम करके लिखा है, ये कस्टमाइज है क्या सर? ये ऑलमोस्ट कह सकते हैं हमारे पे, बेसिकली एक दिन एक कस्टमर ने हमारे को डिजाइन ये दिया था, हमें अच्छा लगा तो हमने भी आगे से इसे स्टॉक में रख लिया। ये बहुत प्यारा लग रहा है पीस, मॉम करके आप कस्टमाइज भी करवा सकते हैं यहाँ से रिंग अपने नेम के अकॉर्डिंग या कुछ भी। जैसे मैं आपको ना थोड़े बॉयज के कलेक्शन दिखा देती हूँ उनके एंगेजमेंट पर्पस से रिंग्स, एंड वैसे भी कैजुअल वेयर करने के लिए, तो वो भी मुझे काफी अच्छी दिख रही है यहाँ पे कलेक्शन। तो सर आप एक बार इनमें से कुछ कलेक्शन दिखा दे। जी बिल्कुल, देखिए मैम वही चीज है, ऑलमोस्ट बैंड्स मेल्स में जो ज्यादातर चलते हैं, बैंड चलते हैं कुछ इस टाइप के, मैट फिनिशिंग में सर ये डुअल टोन में है, एक प्लेटिनम कलर कर रखा है हमने इसके ऊपर, एक गोल्ड कर रखा है, जो प्लेटिनम है वो मैट में डाला हुआ है। ये है, तो अलग अलग डिजाइन्स हैं, जैसे कि अभी से ये प्रॉपर इसको प्लेटिनम दिया, बीच में जैसे गोल्ड की लाइन डाली है, अलग अलग डिजाइन्स हैं, और लगभग सारे के सारे वो ये सॉलिटेयर टच देने के लिए।
लेकिन सॉलिटेयर नहीं लगे हुए इनमें, ताकि बजट में आ जाए, इकोनॉमिकल रहे। सर फील वही हो रहा, कोई नहीं कह सकता कि ये सॉलिटेयर नहीं है। ये यूनिसेक्स डिजाइन है बेसिकली, जो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, ये टॉर्टोइज बना हुआ है, उसके ऊपर डायमंड स्टड है। तो ये ट्रेंडिंग भी हो चुका है आजकल, टॉर्टोइज बहुत चलता है, साइड बाय साइड एस्ट्रोलॉजी का भी काम ये पूरा पूरा करता है। सो गाइज, आपको यहाँ पे ना इयररिंग्स के भी कलेक्शन मिल जाते हैं, आपको हर टाइप के गर्लिश इयररिंग्स भी मिल जाएगा, एंड हैवी इयररिंग्स के कलेक्शन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सारे कलेक्शन आपको इयररिंग्स के हैं, प्लस आपको रिंग्स भी दिख रही है यहाँ पे, कुछ भी जो रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। मैम जैसे कि ये आप कुछ हमारी एक यूनिक डिजाइन है, प्रीमियम डिजाइन है, जिसमें कि आप देख सकते हैं लड़कों की कमजोरी है। ओके, इस रिंग को फोकस करिए, इसके ऊपर मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन से ब्रांड्स है। ओके, ये दोनों सर, इनको तो इन चीजों की तो गाड़ियों की शौक होती है, तो रिंग्स तो बहुत प्यारे लग रहे हैं सर। जैसे कि पीछे जितनी भी ज्वेलरी हमने देखी है वीडियो में, वो सारी लड़कियों की वीकनेस है, तो ये लड़कों की वीकनेस है। ये डिजाइन कुछ ऐसे हॉट केक से, एक साथ में रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज दूसरे हाथ में जैगवार भी वेयर करिए। ओके, सो आपको यहाँ पे जैगवार का कलेक्शन मिल जाएगा, प्लस मर्सिडीज का कलेक्शन मिल जाएगा, और ऐसे बड़े बड़े जितने ब्रांड्स हैं सबके आइकन्स इसके ऊपर लगे हुए मिल जाएंगे आपको। जो भी आपको ट्रेंडी कलेक्शन मिल रहा है ना गाइस, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। एक ये भी आप पीस देख सकते हो, ये वाला पीस, ये भी मर्सिडीज का ही ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है। इसके अलावा ये कुछ अलग हमने बीच में एक अलग डिजाइनिंग करी है, काफी मतलब ब्यूटीफुल पीसेस लाइट वेट में आपको अवेल हो जाएंगे। सो गाइज, जो भी बॉयज आपको देख रहे ना ये वीडियो, प्लीज आप यहाँ पे विजिट करें एंड देखें, आपको ये कलेक्शन तो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। अब मैं आपको कुछ गोल्ड में भी रिंग दिखा देती हूँ, तो सर आप गोल्ड की रिंग दिखा दीजिए कुछ। मैम गोल्ड की रिंग देखिए जरा, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि ये आपको रिंग कैसी लग रही है? ये तो बिल्कुल महाराजाओं वाली फील दे रही है। यही जैसे अभी हमने पिछले थोड़ी देर पहले देखा है कि डायमंड में कुछ मैंने आपको ऐसे डिजाइन दिखाई हैं जो बॉयज की वीकनेस। मैम आपको ये जैसे रिंग मैंने भी आपको दिखाई है, कितने ग्राम्स की होगी लगभग इसे प्लीज देखिए। सर ये होगी ऑलमोस्ट 12-13 ग्राम्स की। मैम ये जो रिंग है, अब आप ही बताइए अपने व्यूअर्स को कि इस पे क्या वेट लिखा हुआ है। सर सच में इतने कम ग्राम्स के, मैं तो इतना ही इमेजिन कर रही थी। ये बेसिकली जितना आपने अज्यूम करा है उतना ही वेट रहता है इस रिंग का, लेकिन ये 12-13 ग्राम की रिंग नहीं है, ये जस्ट 5 ग्राम की रिंग है। और पैटर्न कितने अच्छे से डिजाइन करा है, इसमें आपको मैट फिनिशिंग भी दिख जाएगा, प्लस गोल्ड की बहुत अच्छा पैटर्न, जो कि लड़कों की बहुत फेमस रहती है, लड़कों में बहुत फेमस रहती है, बहुत मतलब हॉट के डिजाइन रहते हैं सारे के सारे। सारी की सारी लाइट वेट ज्वेलरी है, जैसे कि मैं बोलता आ रहा हूँ कंटिन्यू, लाइट वेट ज्वेलरी है बजट में लाने के लिए, और उसके बाद ड्यूरेबिलिटी की गारंटी है कि कहीं नहीं जाती है, जस्ट 3.5 ग्राम के लिए, जिसको कि मार्केट में और दिख कितना हैवी रहा है ये, लाइक ये डिजाइन आपको हैवी दिखेगा बट आपको ग्राम्स काफी कम मिल जाएंगे। थोड़ा बैंगल्स की तरफ आ जाते हैं बॉयज के, लाइक जेंट्स खड़े हैं बेसिकली, जो कि आप देख पाएंगे ये भी काफी लाइट वेट रहते हैं हमारे पास, और बहुत डिजाइन रहते हैं इसके अवेलेबल, डुअल टोन में, सिंगल टोन में, रोज गोल्ड में, प्लेटिनम गोल्ड में, जैसे आप चाहेंगे वैसे ये रहता है। ये जैगवार डिजाइन है। Okay. जैसे कि जैगवार रिंग मैंने आपको दिखाई थी, जैगवार डिजाइन सेट भी ले सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं, टोटली कस्टमाइजेबल भी है, और कस्टमाइज की जरूरत भी नहीं पड़ती बहुत बार, क्योंकि डिजाइनिंग इतनी अवेलेबल रहती है। जैसे इसमें बीच में कोई मर्सिडीज की रिंग दिखाई थी, मर्सिडीज के डिजाइन है सारे के सारे। गाइस सच में काफी अच्छे डिजाइन है, लाइक मैंने अपने खुद के भाई के लिए, मैंने तनिष्क गई थी वहाँ पे, ऑलमोस्ट ना बस 3-4 पैटर्न ही था मैम, इतना ही है, इसके ज्यादा था ही नहीं, और यहाँ पे इतने ज्यादा पैटर्न है, और इसके अलावा भी और भी सर होंगे। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि डिजाइन्स बहुत अवेलेबल है, लेकिन इस टाइम पे इस वीडियो में दिखा पा सब कुछ दिखा पाना पॉसिबल, बहुत लंबी हो जाती है वीडियो एंड सब कुछ एक वीडियो में पॉसिबल ही नहीं है कवर करना। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हम आते हैं वो कर सकते हैं, साथ में भी ये एक अलग ही, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे अगर ये आपको वियरेबल है तो प्लीज एक बार कैरी करके दिखाइए, देख सकते हो तो एक अलग ही लुक आएगी इसके अंदर कि हाँ कुछ पहना हुआ है। इसे कैसे भी ऑफिस गोइंग होगा या आप आपके घर में कोई फंक्शन है, सिंगल पहनना हो, डुअल पहनना हो, कैसे भी इसको कैरी कर सकते हैं। ये देखिए इसमें बेसिकली छोटे, आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कटिंग इस तरीके से दे रखी है कि जैसे डायमंड है, राइट, ये लेकिन ये टोटली गोल्ड है, इसमें कुछ भी कोई स्टोन नहीं है, कुछ नहीं है, आप देख सकते हो कितनी प्यारी लाइटिंग फिनिशिंग वगैरह सब, बहुत अच्छी पैटर्न, किसी भी जो भी आपका साइज है उस साइज के अकॉर्डिंग इजीली बन जाएगा। जितना भी आप ये माल देंगे सारा का सारा 8% वाला है। मैं पूछूंगा डिजाइंस के ऑप्शंस बहुत ज्यादा है सर आपके पास, मेन चीज तो ये है कि आपको बाकी स्टोर्स पे डिजाइन के ऑप्शन कम मिलते हैं एंड प्राइस हाई मिलता है, और यहाँ पे प्राइस कम ऑप्शन ज्यादा मिलता है, यही हमारी यूएसपी है सारी की सारी। इतनी सी रिक्वेस्ट है जो दोबारा से बोलूंगा आपके व्यूअर से कि प्लीज एक बार आइए, देखिए, लीजिए ना लीजिए कोई जरूरी नहीं है, कंपैरिजन करिए, आपका खुद मन करेगा यहाँ से लेके जाने का।
अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं गोल्ड के नेकलेस सेट्स पे, जो कि हमारे घर की जो ओल्ड एज फीमेल्स हैं सब उनके लगभग ऐसे से ही डिजाइन, उनको टेस्ट उनका रहता है सारा का सारा, उनको ऐसे ही डिजाइन चाहिए होते हैं जिनका। ओके 52,000 में आपको इस टाइप का नेक पूरा पीस मिल जाता है विद इयररिंग्स। विद इयररिंग्स इसी के साथ में इसका साथ में जो कंपेनियन होता है वो होते हैं लॉन्ग सेट्स, जो कि आप ये देख पा रहे हैं। आगे आप डमी में भी थोड़ा सा फोकस करेंगे तो हमने वहाँ पे पहन के भी दिखा रखे हैं कि कैसे आने वाली हैं। इसके साथ में फिर चोकर सेट्स आ जाते हैं, ये बेसिकली ब्राइडल सेट्स हैं। कुछ लोगों के मतलब उनको कुछ लोगों का टेस्ट होता है, उनको येलो गोल्ड प्लेन गोल्ड ही अच्छा लगता है। जैसे कि मैं इसमें बात करूँ हमारी जैसे मुस्लिम कम्युनिटी हो गई तो उनको येलो गोल्ड बहुत अच्छा है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल हैवी हैवी सेट्स को कैरी करना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ उनको ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, वैसी डिजाइनिंग बनाई गई है, बजट में भी आ जाए, लाइट वेट भी रहे और फैलावट भी पूरी रहे। आप इसके इयररिंग्स देखेंगे काफी ब्यूटीफुल हैं ये, आप एक बार इसे अगर अपने कान पे लगाकर दिखाएंगे तो बहुत प्यारा लग रहा है। देखो बहुत प्यारे इयररिंग्स सेट लग रहे हैं, लाइक इसको वेयर करने के बाद फेस पे भी ग्लो आ रहा है अच्छा से। सारी की सारी हॉलमार्क ज्वेलरी है। चोकर सेट हमारे पास लगभग 20 ग्राम से स्टार्ट हो जाते हैं, ऊपर में तो 100-150-200 ग्राम का जितने का आप चाहेंगे सब मिल जाएगा। स्टार्टिंग ये प्राइस है, हेवी तो आप कितना भी बहुत ज्यादा कलेक्शन आप विजिट करोगे तो आपको। जैसे कि इसमें कुछ इटालियन डिजाइंस है हमारे पास, ये लड़कों के लिए रहती है, ये होलो चेन रहती है बिल्कुल, जो कि देखने में आपको 20-25 ग्राम लगती है लेकिन ये जस्ट इसका जो वेट है वो 8 ग्राम्स का है। इसके साथ में ये जो आप देख पा रहे हैं ये भी होलो चेन है, ये इटालियन चेन है, ये रोज गोल्ड की फिनिश है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मैम, तो अब आप जो भी देख पाएंगे वो सारा का सारा हमारे दो सेगमेंट्स हैं, एक हमारा डायमंड पोल की है और एक साथ में हमारा कुंदन वर्क एंटीक ज्वेलरी है। अब ये जितने भी बैंगल्स देख पा रहे हैं सारे के सारे रजवाड़े डिजाइंस हैं, काफ़ी हैवी हैवी बैंगल्स हैं ये, जो कि जब स्पेशल किसी की मैरिज है या घर में आपकी बेटी की मैरिज है बेटे की मैरिज है उस टाइम पर ये डिज़ाइंस लेडीज पिक करती हैं। ये सारा एंटीक पैटर्न है सारा का सारा, इन्हें पाटला डिजाइन बोला जाता है, साथ में चूड़ी वर्क है सारा का सारा इसमें। इसमें चूड़ी इसलिए डाली गई है बेसिकली कि ये यूनिवर्सल साइज बन जाए, किसी लेडी का भारी हाथ भी हो तो भी वो लाइट वेट के अंदर उनके हाथ में ये आ जाए बैंगल। उसके आगे ये जो है ये एंटीक रिंग देख पा रही, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैंने वेयर करूं इसे। अच्छा इसमें डबल फिंगरिंग के साथ है, तो मैं ये मानकर चलूं कि आज मेरे 2-3 आर्टिकल्स तो आज इसी वीडियो में बिकने वाले हैं। हाँ श्योर सर, मैं पक्का कुछ ना कुछ तो लेके ही जाऊंगी यहाँ से, ज्यादा हैवी तो नहीं अगर मुझे, क्योंकि अब मैं अपनी एंगेजमेंट या वेडिंग पे ही लूंगी हैवी तो, बट यहाँ से कुछ ना कुछ। मोस्ट वेलकम मैम, और मेरा इतना भी प्रॉमिस है आपको कि आप जब भी यहाँ पर कोई भी व्यूअर आपके रेफरेंस को देंगे तो उनके लिए भी हमारे पास स्पेशल गिफ्ट अवेलेबल है। सर ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो जो भी आएगा ना प्लीज मेरी वीडियो का रेफरेंस जरूर दे देना, ये नहीं कि आप चुपचाप से आए परचेज किए और चले गए, तो अगर आप रेफरेंस दोगे आपको पक्का कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट। टेम्पल ज्वेलरी इसको बोला जाता है, इसमें गॉड फिगर बीच में लगाई गई है, आजकल बहुत ट्रेंडी है ये होलो ज्वेलरी रहती है और तमिलनाडु या उस साइड साउथ इंडिया का पैटर्न है सारा का सारा, आजकल दिल्ली में बहुत ज्यादा इन है। ऑक्सीडाइज पॉलिश के साथ साथ इसमें जो बीच में टेंपल फिगर दी जाती है, गॉड फिगर जो दी जाती है, बहुत इन है आज की डेट में। तो इसमें बहुत व्यू हमारे पास बहुत ही डिजाइन अवेलेबल रहती है जैसे आप चाहेंगे, जैसे इसमें भी ये एंटीक ज्वेलरी ही है, इसमें छोटे छोटे गोल्ड बॉल्स की पिरोई करी गई है अलग से, लॉन्ग सेट के साथ चोकर को एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है लॉन्ग सेट के साथ चोकर का। इसके डैंगलर्स काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी अच्छे पैटर्न में ये हमारे पास रनिंग रहता है, इसको आप कैरी करके देखेंगे तो और मज़ा आएगा। इसके थोड़ा सा आगे चलेंगे तो टोटली पिरोई वर्क है जो एक्चुअल टेम्पल ज्वेलरी है। सर ये वाला मैं कैरी करके देखूंगी, बहुत प्यारा लग रहा है 100% में। सारी की सारी हॉलमार्क ज्वेलरी है, 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी है। इसके साइड में आएंगे तो अब ये आ गई हमारे रोज गोल्ड टोन, रोज गोल्ड में डायमंड नेकलेस सेट है एमरल्ड के साथ, और इसी के साथ हमने नीचे कॉम्बिनेशन बनाया है स्ट्रिंग्स में डायमंड पोल की का। किसी भी ओकेजन पे चाहे आपका खुद का हो चाहे कहीं का भी, अगर आपने इसको कैरी करके सेट को जाएंगे तो मैं गारंटी देता हूँ लिख के लाइम लाइट में आप ही रहने वाले हैं उस पूरे शो के अंदर। ये वाला ना मैं पक्का ही वेयर करूंगी जब सर ने इतनी तारीफ करी है तो। बस आप जितने भी अभी जो मेरे जितने भी ये डमी है, एक्चुअली पता है क्या मेरा मन तो कर रहा है मैं सब कुछ वेयर करके चेक कर लूं मुझ पे क्या अच्छा लग रहा है, ऑलमोस्ट मुझे सभी अच्छा लग रहा है, बट मैं ये वाला अभी वेयर करके देखूंगी। आप इस डमी में जो भी देख रहे हैं बेसिकली वो सारे के सारे हमारे शो स्टॉपर है। ओके ये डिजाइन बिकते रहते हैं बनते रहते हैं। ये वाला भी आप देख सकते हो गाइस, ये इतना प्यारा लग रहा है, प्रॉपर ब्राइडल डायमंड पोल की सेट है ये। इसके नीचे ये नए एक कलर टोन है, ये नई है बिल्कुल, जिसको एमओपी बोला जाता है। ये मिंट बहुत ज्यादा मतलब यही इसकी ब्यूटी
को एनहांस कर रहे हैं। सर इसके साथ मतलब इसका मांग टीका वगैरह वो भी सब कुछ अवेलेबल रहता है हमारे पास। सर चीज हमारी कोशिश ये रहती है कि प्रॉपर अगर हमारे पास कोई ब्राइडल ज्वेलरी परचेज करने आ रहे हैं तो प्रॉपर उनको एक सेट बना के दिया जाए, बैंगल्स भी, मांग टीका भी। तो गाइस मैम ने ये मांग टीका भी निकाल के दिखा दिया, ये इसके सेट का है, मैंने बोला और अवेलेबल भी है ये। तो गाइस आप देख सकते हो ये इसका मांग टीका भी है, तो ये प्रॉपर सेट बन जाता है। ये अभी मैं आपको वेयर करके दिखाती हूँ। सेट कैरी करा अभी, उसके बाद ये जो भी आपने पहन रखा है इसको जड़ाऊ ज्वेलरी बोला जाता है, क्योंकि काफी इन है आज की डेट में। ये बेसिकली अपने स्टोन वर्क के लिए ही ये ज्वेलरी फेमस है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स के एक तो कैजुअल वेयर के ऊपर भी इसको पहनेंगे तो कैसी लुक आने वाली है, सेकंड हमारी मैम ने पहन रखा है इसे एथनिक वेयर के ऊपर, ये किसी भी ओकेजन में कहीं भी पहनेंगे, कैसे भी इसे ड्रेसअप करेंगे ब्यूटीफुल ही लगने वाला है पीस। काफी प्यारा लग रहा है, बिल्कुल रॉयल टाइप का, जिनको ज्यादा तामझाम नहीं पसंद, सिंपल सा बहुत प्यारा लग रहा है। हमारे यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, हर तरीके की डिजाइनिंग मिलेगी, अंडर वन रूफ बहुत कुछ है हमारे पास दिखाने को। आपको मैंने ऑलमोस्ट सारी कलेक्शन दिखा दी है, बट आपको यहाँ पे आना कैसे है तो आपको मैं सारी लोकेशन जो भी है, एड्रेस वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एक बार सर भी थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे। मैम बहुत ही इजीली अप्रोचेबल है, आप रेड फोर्ट से आ सकते हैं, आप थ्रू मेट्रो चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पे उतर सकते हैं, गेट नंबर एक पे आप आके हमें रिंग कर दीजिए, आप चांदनी चौक मेट्रो से सॉरी रेड फोर्ट पर आकर हमारे को रिंग कर दीजिए, वहाँ से आपको गाइड कर देंगे। अब पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है जो कि यहाँ का लैंडमार्क है, टाउन हॉल है जो यहाँ का लैंडमार्क है, चांदनी चौक के आसपास में आप कहीं पे भी आके एक बार रिंग कर दीजिए, हम आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। कूचा महाजनी के बाहर आके आप हमें रिंग करेंगे, हम लड़का भेज देंगे आपको रिसीव करने के लिए। सेम टाइम हमारी बिल्डिंग का नंबर है 1171 1171 नंबर, अपर ग्राउंड फ्लोर, कूचा महाजनी, दिल्ली 6। आप कैसे भी आएंगे आप प्लीज हमें एक बार बताइए, हम आपको अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो कॉलिंग नंबर सारे डिस्क्रिप्शन में होंगे, आप कॉल करके आ सकते हैं। सो या गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करें कि कौन सा कलेक्शन आपको बेस्ट लगा और कौन सा नेक पीस, ए रिंग, कॉकटेल रिंग, सब कुछ भी आप बताएं कि कौन सा बेस्ट लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।